जॉइंट मोबिलिटी, जॉइंट मोबिलिटी इज एक्चुअली मोबाइल जॉइंट या जॉइंट की मूवमेंट को कहते हैं, ठीक है। और जो जॉइंट की मूवमेंट है वो मसल्स की वजह से होती है, तो हम कह सकते हैं कि जॉइंट मोबिलिटी को हम स्केलेटन मोबिलिटी भी कह सकते हैं। कह सकते हैं स्केलेटन मोबिलिटी इज एक्चुअली द मूवमेंट्स ऑफ जॉइंट। और जॉइंट्स में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट, डिफरेंट टर्म्स इंपॉर्टेंट आपको पता होना चाहिए जॉइंट्स में। फिर पहले आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ जॉइंट्स, पहले भी पढ़ चुके हैं लेकिन हम दोबारा पढ़ेंगे, ठीक है। जिसमें आते हैं यूनि एक्सियल जॉइंट, मल्टी एक्सियल, पॉली एक्सियल, ठीक है। जिसमें वन प्लेन में मूवमेंट्स होती हैं, टू प्लेन्स में होती हैं, थ्री प्लेन्स में होती हैं, वी विल डिस्कस इट। उसके बाद जो स्ट्रक्चरल फीचर्स हैं जॉइंट्स के, उसमें आते हैं आर्टिकुलर कार्टिलेज, लिगामेंट्स, टेंडन्स, आर्टिकुलर कैप्सूल, ये सब चीजें आती हैं। हम बारी बारी इन सब चीजों को देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिकुलर कार्टिलेज, आर्टिकुलर कार्टिलेज बेसिकली एक कार्टिलेज होता है जो कि आपके जॉइंट्स को कवर कर रहा होता है, दैट सराउंड्स द जॉइंट एंड इट प्रोटेक्ट्स द जॉइंट फ्रॉम फ्रिक्शन। एंड ये आर्टिकुलर कार्टिलेज जो है इसकी डीजनरेशन हो जाती है किस वजह से, विद द प्रोसेस ऑफ एजिंग, ठीक है, उस वजह से भी हो जाती है, या वेयर एंड टेयर, या एक्सेसिव आप यूज करें जॉइंट को, ओल्ड एज में मोस्टली हो जाता है, ठीक है। अगर वो डीजनरेशन हो जाए आर्टिकुलर कार्टिलेज की तो फिर आपको पेन होती है। अडल्ट लोगों को जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में आर्टिकुलर कार्टिलेज की डीजनरेशन की वजह से पेन होती है, ठीक है। वो पेन क्यों हो रही होती है, क्योंकि वेयर एंड टियर हो जाता है आर्टिकुलर कार्टिलेज का, ठीक है। ये ऑस्टियोफाइट्स बन जाते हैं, वो रहता फिनोमेना, लेकिन आर्टिकुलर फ्रैक्चर बेसिकली जॉइंट्स की लाइनिंग है, ठीक है। उसके बाद लिगामेंट्स क्या होते हैं जो कि बोन को बोन से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। लिगामेंट्स हमें स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। एबनॉर्मल मूवमेंट्स को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, ज्यादा एक्सेसिव मूवमेंट्स ना हो जाए। उसके बाद आर्टिकुलर कैप्सूल, अब आर्टिकुलर कैप्सूल क्या होता है, आर्टिकुलर कैप्सूल वो होता है जो पूरा इंक्लोज करता है जॉइंट को। जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि जिसमें आपका नी जॉइंट है उसकी उसके अराउंड बिल्कुल इधर पूरा आर्टिकुलर कैप्सूल है जिसने पूरे जॉइंट को इंक्लोज किया होता है। फॉर एग्जाम्पल इमेजिन अ नी जॉइंट, आर्टिकुलर कार्टिलेज कवर्स करता है जॉइंट को, जॉइंट के एंड्स को, ठीक है। जो नी जॉइंट की बात कर रहे हैं तो नी जॉइंट कैसे बन रहा है, फीमर, टिबिया एंड फीमर से, तो टिबिया की जो और फीमर की जो आर्टिकुलेशन है उसको कवर कर रहा है आर्टिकुलर कार्टिलेज, क्लियर। फिर आपने बता दिया कि लिगामेंट्स क्या होते हैं, बोन टू बोन। फिर मैं बता रही हूँ आर्टिकुलर कैप्सूल, आर्टिकुलर कैप्सूल जो होता है वो आपके पूरे जॉइंट को सराउंड करता है जिसके अंदर सिनोवियल फ्लूइड होता है, क्लियर। उसके बाद टेंडन की बात करें, टेंडन क्या होता है, मसल टू बोन कनेक्ट करता है। सेंसरी स्टिमुलस वो स्टिमुलस है जो आपकी ब्रेन सेंस करता है, आप किसी गर्म चीज को हाथ लगाएं या कुछ ऐसा करें तो आपको सेंसरी स्टिमुलस आपको आता है और फिर आप उस पर रिस्पॉन्ड करते हैं, दैट इज मोटर स्टिमुलस, ठीक है। न्यूट्रिशन इज रिसीव, अच्छा न्यूट्रिशन क्या होता है, न्यूट्रिशन वही जो आप न्यूट्रिशन फूड से या डिफरेंट चीजों से रिसीव करते हैं। स्टेबिलिटी क्या है, जॉइंट की स्टेबिलिटी जो डिपेंड करती है बैलेंस कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स पे, मसल्स की स्ट्रेंथ पे, ठीक है। स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्ट्रेचिंग क्या होती है, स्ट्रेचिंग इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ किसी भी जॉइंट की या फॉर एग्जाम्पल किसी भी मसल की जो ऑपोजिट फंक्शन करेंगे दैट इज स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जाम्पल बाइसेप इज इन्वॉल्व इन फ्लेक्शन ऑफ द एल्बो, अगर मैं एक्सटेंशन करूंगी और ओवर थोड़ी सी ज्यादा करूंगी तो ये बाइसेप की स्ट्रेचिंग हो जाएगी। सेम इज द केस विद लेग, ठीक है, मैं लेटी नहीं हूं और मैंने नी को बेंड किया, दैट इज हैमस्ट्रिंग फंक्शन, नी फ्लेक्शन। और अगर मैं नी को उठा लूंगी, स्ट्रेट लेग रेज करूंगी और ज्यादा, तो दैट इज स्ट्रेचिंग ऑफ हैमस्ट्रिंग, मसल के ऑपोजिट से फंक्शन होगा, दैट इज स्ट्रेचिंग। उसके बाद ये जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स में आपको पता होना चाहिए कि डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट हैं, यूनि एक्सियल, बाय एक्सियल, पॉली एक्सियल। यूनि एक्सियल वो जिसमें एक प्लेन में मूवमेंट होती है, ठीक है, जैसे पिवट जॉइंट, एटलांटो हॉस्पिटल जॉइंट। देन बाय एक्सियल में दो एक्सिस में मूवमेंट होती है, ठीक है, उसकी एग्जाम्पल है आपको कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट। फिर पॉली एक्सियल जिसमें मल्टीपल प्लेन्स में मूवमेंट्स होती हैं, लाइक हिप जॉइंट, शोल्डर जॉइंट, ठीक है, flexion, extension, abduction, circumduction, everything.
प्लेन जॉइंट्स में बेसिकली ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती हैं. अब वो कौन कौन से प्लेन जॉइंट्स हैं, जैसे क्रोमियो क्लेविकुलर जॉइंट्स, आपका क्रोमियम का जो क्लेविकुलर से जॉइंट बनता है उसमें कोई मूवमेंट नहीं होती, हल्की हल्की ग्लाइडिंग से होती है, दैट इज द प्लेन जॉइंट. या आपकी फिंगर से भी कह सकते हैं इंटरफेलेंजल जॉइंट, यहाँ पे कोई मूवमेंट नहीं हो रही, थोड़ी सी ग्लाइडिंग फ्लेक्शन भी हो रही है, लेकिन जो ग्लाइडिंग स्पेशली अगर एग्जाम्पल लू मैं जो आपकी कार्पल बोन्स है, दैट इज द बेस्ट एग्जाम्पल. कार्पल बोन्स आपस में जो कनेक्ट हुई हुई है उनमें ग्लाइडिंग मूवमेंट्स होती है, उस पर कोई स्पेसिफिक फ्लेक्शन नहीं होती, ठीक है. अच्छा जी, अब जॉइंट्स में भी डिफरेंट टाइप के जॉइंट्स हैं, जैसे बॉल एंड सॉकेट. यू हैव टू टेल मी व्हिच एग्जांपल ऑफ द बॉल एंड सॉकेट. एलिप्सॉइड जॉइंट, एज यू से हिंज जॉइंट, ओके, फ्लैट जॉइंट, एलिप्सॉइड जॉइंट, सैडल जॉइंट, हाँ, फर्स्ट कार्पल मेटाकार्पल जॉइंट, पिवट जॉइंट, वेरी गुड, प्रॉक्सिमल डिस्टल रेडियोलर जॉइंट एंड एटलांटोऑक्सिपिटल जॉइंट, वेरी गुड. दैट इज ऑल फॉर टुडे. अब आप बोल सकते हैं. Thank you.